15 तारीख को बच्चा चोरी हुआ था, उस दिन से ही हम मतलब फुटेज खंगालने में उस सब में लगे हुए थे और कई फुटेज मिले थे जिसके जो हमने पुलिस को सौंपे थे और पुलिस ने भी अपनी पूरी मेहनत की है। और आज सुबह टीआई साहब का फ़ोन आया कि थाने के बाहर बच्चे को छोड़ के गए, क्योंकि जो ड्रेस है उसकी जो जिस तरह का है उससे यही लग रहा है कि वही बच्चा है। लेकिन चूँकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा मिलान करने के बाद हम बोलेंगे कि बच्चा वही है। संभावना जो बहुत अधिक लग रही है वो इसी बच्चे की, क्योंकि जो छोड़ने वाली है उसका भी फुटेज कहीं सामने आया है, लगभग वैसी ही मेला लग रही है। तो उम्मीद करते हैं वही बच्चा है, क्योंकि अभी बच्चा बाहर था 5 दिन से, तो इसलिए उसको हमने NIC में रखा है और हम उसकी जाँच वाँच करा रहे हैं। पूरी जाँचें हो जाएंगी, उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा, इसके बाद फिर हम जो क्या है कि पहले हम उसको स्वस्थ कर लें। क्या अभी प्राथमिक तौर पे क्या बच्चा कुछ बीमार या कुछ दिक्कत नहीं, नहीं, बच्चा ठीक है, स्टेबल है, ऐसा कोई ऐसी दिक्कत वाला कोई विषय नहीं दिख रहा है अभी जी। हमारे डॉक्टर जो है पीडियाट्रिक्स के पूरे लगे हुए हैं। ठंड के कारण कहीं कोई ऐसी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बस पुलिस और हमारे बीच का जो डिस्कशन होगा, प्रशासन के साथ डिस्कशन होगा, पुलिस के साथ डिस्कशन होगा, फिर हम तय करेंगे किस तरह से उसका पहचान की जानी है, वो किया जाएगा। अभी तो मैं प्राथमिक तौर पर एक बयान दे रहा हूँ, चूँकि मैंने तो कसम ही खाई थी कि मैं दिवाली उस दिन बनाऊँगा जिस दिन बच्चा मिल जाएगा, तो अगर आज वो मिलान हो जाता है तो फिर उम्मीद है कि आज शाम को शायद दिवाली हम मिलान में क्या प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं सर? क्यों उसकी वजह थी क्योंकि हमारा प्राथमिक काम था फुटेज तलाशना, जिससे कि हम मदद मिले कि हम उस बच्चे को ढूंढ पाए। और आज एक मेरी बात पूरी होने दीजिए, आज उसी का नतीजा है 5 दिन के जो फुटेज तलाशने का जो फुटेज उपलब्ध कराए हैं कि आज वो दबाव में आके बच्चे को छोड़ के गए। हमारा प्राथमिक काम था बच्चे के लिए, हमारा काम ये नहीं था कि हम मीडिया को फुटेज दें, मीडिया को हम बयान दें। हमारा प्राथमिक मेरा जो कर्तव्य था उस कर्तव्य को निभा रहा था, मैं भी निभा रहा था, मेरी पूरी प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। सर क्या DNA वगैरह कुछ कराएंगे मिलान के लिए? पुलिस वालों से प्रशासन से बात करके जो उसका जो लीगल जो एस्पेक्ट है उसके साथ हम पूरा जाँच करेंगे, उसमें कोई ऐसा संदेह वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कन्फर्म तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए किया जाएगा सब कुछ। अभी मैं उसको चूंकि क्या अभी तो आज एक दिन तो हम कम से कम उसको रखेंगे, एक दिन हम NIC में रखेंगे, उसका पूरा जाँचें वाँचे गई हैं, अभी जाँच रिपोर्ट आने वाली है, मैं एक बार देख लूँ उनको, उसके बाद हम लोग तय करेंगे बच्चे को हम कब सौंपेंगे। तो बाद बच्चा चोरी होता है तो क्या लगता है आपको इन्हें डिलीवरी होती है और किसी इस तरह से क्या गिरोह है कि उसको मालूम पड़ गया था कि बच्चा अंदर? देखिए ये पुलिस जाँच का विषय है और इस बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी संवेदनशील चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन वो हमारे और पुलिस के बीच में है।